पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी बोले, यदि मुझे उपचुनाव में टिकट नहीं दिया तो करूंगा बगावत। भाजपा में अब आदिवासियों का नहीं हो रहा सम्मान। खबर श्योपुर से है, जहां आगामी समय में होने वाले विजयपुर उपचुनाव में कैबिनेट मिनिस्टर रामनिवास रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगता है अब रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ उन दिग्गज भाजपाइयों से भी होने वाला है जो एक ही दल में होने के बावजूद भी रामनिवास रावत का खुलकर दुर्विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा ने तो अपने लिए टिकट पार्टी अलकमान से मांग ही लिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब आदिवासी समाज से आने वाला एक बड़ा चेहरा और विजयपुर विधानसभा से पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी भी टिकट की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। यही नहीं, सीताराम आदिवासी ने तो यह तक कह दिया कि रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल करके पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब विरोधियों को ही अपनी पार्टी में मिला लोगे तो क्या मतलब है राजनीति करने का। सीताराम यही नहीं रुके, उन्होंने तो मुख्यमंत्री तक पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा केवल मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए मुख्यमंत्री रामनिवास रावत से अपना भाईचारा ना निभाएं। आपके इस भाईचारे से हम आदिवासियों का सम्मान कम हो रहा है, अब बीजेपी पार्टी में हम आदिवासियों की पहले जैसी इज्जत नहीं रही। यदि मुझे उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो मैं कांग्रेस पार्टी में चला जाऊंगा, जब सब बदल रहे हैं तो मुझे भी बदलने में समय नहीं लगेगा। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तोमर साहब के कहने पर मैंने पूरे आदिवासी समाज के वोट सांसद के चुनाव में भाजपा को दिलवाए और जब शिमंगल जीत गए तो कहने लगे कि रामनिवास की बदौलत जीता हूं। यह हमारे आदिवासी समाज का अपमान है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि मुझे छोड़कर रामनिवास रावत को टिकट मिला तो हम आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीताराम जी, जो उपचुनाव होने वाले हैं विजयपुर में पहली बार, इसको लेके आपका क्या कहना है? मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट तो वैसे रामनिवास जी का चल रहा है, तो रामनिवास जी को टिकट होगा, आपको कैसे मिलेगा फिर टिकट? नहीं, मुझे टिकट मिलेगा भाई, रामनिवास के पास कहाँ बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70,000 वोट है। देखो, बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना, मुझे टिकट चाहिए हर हालत में। तो क्या मानते हो कि रामनिवास जी को जो बीजेपी ने शामिल किया तो उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, कोई जनता संतोष नहीं है, ये तो खाली मुख्यमंत्री की भी के भाई ने चारा बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है, ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई, तुमने मिलावा की कोई ज़रूरत नहीं, हमें तीन बरिया लड़ाई लड़ तो हो गई, जनता लड़ रही है, आपस में लट चलते हैं, आज ये एक हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो क्या कह रहे हो, मतलब जो नए मुख्यमंत्री बने उन्होंने इनको शामिल किया है? हाँ, उनने शामिल किया कि हमारे भाई ले चारा है, वो बोले नो भी कही है कि चलो भागवत बनते ही आप केंद्रीय मंत्री बन गए, पहली बार इनने धर्म किया है जन्म क्रम में, जी की बड़ाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अरे भागवत करे से तो आप प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन गया तो आप भागवत करा देना, ये गलत है, ये पार्टी का सम्मान रखाना चाहिए, गलत कर दिया हमारे साथ में, शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हमारे कार्यकर्ता, जनता परेशान है, बहुत मारा मारी पड़ रही है, बहुत बुरी हालत है क्षेत्र में, तो खुश नहीं है कोई जनता। तो सीताराम जी, जो क्या मानते हो, टिकट अगर आपका नहीं हुआ, अगर किसी कारण से, क्या करेंगे फिर आप? देखो, अगर हमारे मेरे टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो बकावत करूँगा, वो बकावत में बहुत असर जाएगा, कम से कम 8-10 विधानसभा आती है हमारे शहरिया समाज की, पीवर शहरिया है वे, अब भी आ रही है, मैं बैठ गया जब भी पूरी आ रही है, भमोरी हार गई, जोरा हार गई, पौरी हार गई, तो 5-6 विधानसभा हार गई मेरे वजह। जो 2023 में आपका टिकट काट दिया था, मौजूदा विधायक थे, तब आपने मतलब इतनी ताकत से टिकट क्यों नहीं मांगा फिर? मैंने विश्वास किया तोमर साहब का, और संगठन मंत्री से नहीं कहते, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहते भाई देंगे तुझे, भरोसा में रखान दिया मैं, उस तरीका से मैं चुपचाप रहा, और पार्टी ने मुझे 3-3 बरिया टिकट दिया, इसलिए मैंने बकावत नहीं करी, मैं चलो भाई कतुन कतु तो करेगा ये। तो उसके बाद आपको कोई पद नहीं दिया गया है? नहीं, कोई पद नहीं दिया, और मैंने बकावत भी नहीं करी पार्टी के साथ, मैं घर बैठ गया आराम से, हार गई बेवरा जी। तो क्या आप जो घर बैठ गए इसी की वजह से? हाँ बिल्कुल, हार गए बिल्कुल, आपने काम नहीं कर पाया? नहीं करा मैंने, मैं काम करता तो मेवरा जी जीतता। तो अभी मतलब क्या माने, यदि अगर अभी टिकट नहीं मिला आपको सीताराम जी, मुख्य बात ये है, तो क्या आप पार्टी बदल देंगे क्या? नहीं बिल्कुल, जब दुनिया ही बदल रही है, सब संसार ही बदल रही है, तो हमें बदलो, हमें कला गिरी हो।
मैं ये कहने चाहता हूँ कि हम शुरू से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं रामनिवास रावत से और उन्हें शामिल बखेल रहे हैं, तो ये गलत है। फिर हमारा क्या वजूद रिया लड़ाई का, राजनीति का क्या वजूद रिया? फिर तो एक राज छत हो जावे तो बढ़िया रही है। मतलब जो विरोधी कैंप हाँ कांग्रेस कांग्रेस की शामिल होने पर बात कर रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेसियों को शामिल किया जा रहा है वो गलत है। ये कांग्रेस इनको हर जगह हमारी पार्टी शामिल कर रही है, ये गलत कर रही है, क्योंकि फिर क्या वजूद रिया राजनीति का? तो कोई मतलब ही नहीं दिया राजनीति का। आपका टिकट कटने से आपका समाज अभी भी नाराज है क्या भाजपा से? मेरा टिकट कटने से पूरी मतलब विजयपुर क्षेत्र नहीं, पूरे ये 10-12 विधानसभा है, सब नाराज है और हारी भी है विधानसभा शहरी समाज की। अच्छा। पूरा शहर माहौल हमारे 5-6 विधानसभा में मैं अटेंड करता हूँ और सभी नाराज है, कोई खुशी नहीं है मेरा टिकट कटवा से। और मैंने बोली लोकसभा में कि भाई लोकसभा जितानी है, तोमर साहब भी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कह रही है, संगठन मंत्री भी कह रहा है, तो मैंने रात दिन करके काम किया है। और खाली एक रामनिवास रावत ने कुछ भी काम नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, गांव में किया होगा तो बताओ। सिर्फ एक दिन हेलीकॉप्टर का ना वीरपुर में जाने कहाँ गया, घर बैठ के आराम से बनने सम्मान मिल गया और हम रात दिन भैया जिनने सम्मान नहीं मिल रहा है, ये कौन सा तरीका है पार्टी का? सीताराम जी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो जो जीत मिली है सिमंगल सिंह तोमर को, उसकी वजह रामनिवास रावत माने जा रहे हैं, ये आपके बड़े नेता भी कह चुके हैं रामनिवास के आने से हम जीते हैं, क्या मानते हो इसे? ये गलत है सब। 15,000 वोट है रावतन का, ज़्यादा ही ज़्यादा अन्य 5,000 वोट, भाई पोलेगल की गिनती कर लो ना, सूची धरी है, पूरा आदिवासी ने एक तरफा मामला किया है, कोई कसर ही नहीं रखानी। कराल है, वीरपुर है, उतरगनाथपुर है, बरगवा क्षेत्र में चला जाओ, तो मगरा पाल पर चला जाओ, एक कोई हमने मीटिंग करी है, गोरस में तोमर साहब बुलाए हमने, बिल्कुल बेकार कसम खाई है हमने, पातलगढ़ में भी किया, कसम खाई हमने कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और लोकसभा है जिताएंगा हम। और हमारे आकोरिया में हमने फीटर का उद्घाटन करा तो तोमर साहब भी आए, सुमंगल सिंह भी आए, तो मैच वैसे सुमंगल सिंह कह रहे हैं कि रामनिवास की बदौलत में चुनाव जीत गया के। ये कोई तरीका है केवा का ये भाषण इनका? जब भी मैं हट के आ गया तोमर साहब ने भाषण दिया, जब भी मैं हट के आ गया कि ठीक है भाई हमारा कोई सम्मान ही नहीं है कहीं से। तो एक समय जब बीजेपी पार्टी जो सीताराम आदिवासियों को इतना सम्मान देती थी, क्या अब वो सम्मान सीताराम जी का खत्म होता जा रहा है भाजपा में? हाँ, अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है मेरी, ये गलत है, ये अन्याय है हमारे आदिवासी के साथ में। आपने तो एक लालच दे के टिकट दे के हमें वोट लिया है आपने, और आज हमें टिकट देना चाहिए पार्टी है, क्यों कि हमारा बहुत ज़्यादा है, रावतन का 15,000 वोट है और मुझे सभी समाज चाहती है और मेरा कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। रामनिवास पहले पंचायत मंत्री रही हो, एक रुपया को काम नहीं कराए हो, मैंने बहुत काम करवाया तोमर की वजह और हमारे मुख्यमंत्री के वजह, स्वराज के वजह, चेटी खीरा डैम मंजूर करवाए, रोड बनवा दिया, मौजरी डैम और अस्पताल बनवा दई, मेडिकल अस्पताल, रेल, पूरा काम मेरे द्वारा होया है। और रामनिवास रावत की कहते आप एक रुपया का काम नहीं कराएगा, सिर्फ पैसा के अलावा डकैती के अलावा कुछ नहीं कराएगा, ये मेरा कहना है, ये मेरा दावा है। जनता फालतू बेकाबा में नहीं आवे, और मेरा ये कहना है कि मुझे टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, अगर नहीं टिकट दिया नहीं मैं बगावत करूँगा, नहीं तो मैं कांग्रेस में जाऊँगा सीधा और मैं टिकट लेंगा मैं कांग्रेस से, आपको बहुत नुकसान होगा। कम से कम पीवर शहरिया समाज की 8-10 विधानसभा है मेरे पास, अभी देखो मैंने बहुत काम किया है, तोमर साहब ने किया जब कही है मैंने काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने कही भाई काम कर तू, मैंने रात दिन कर दी, जी का नतीजा यो मिलो नल, और रामनिवास के सिरे जा रहा है पूरा, ये गलत है, ये अन्याय है आदिवासी इनके साथ। टिकट मिलेगा तो आप यहाँ से बीजेपी की सीट निकाल देंगे? अगर मुझे टिकट मिलेगा मैं सीट निकालूंगा पक्का पे, क्यों कि 60-70 हज़ार वोट तो हमारा ही है, कछु पार्टी का मिल जाएगा, कछु मेरा सामान में भी अच्छा बाहुल है, मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया तो किसी का भला भी नहीं किया, और अच्छा काम और क्षेत्र में मैंने 3.5 साल के अंदर में बहुत विकास किया और करवाया, मैंने मुख्यमंत्री से कह के, तोमर साहब से कह के, लड़ लड़ के तोमर साहब से मैंने काम किया है,
काम की कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने।